प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र चंबाघाट बधाली के आंसू रो रहा है, जो अब नाम की औद्योगिक क्षेत्र रह गया है। मात्र 30 छोटे मोटे उद्योग ही इस वक्त कार्यशील हैं। कुछ सुविधाओं के अभाव से बंद हो गए हैं तो कुछ सरकारी तंत्र की उदासीनता के कारण बंद होने की कगार पर है। इस मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर औद्योगिक क्षेत्र में सर्विस इंडस्ट्री को भी शामिल कर लिया जाए तो इससे छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी हो पाएगा। उन्होंने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह से भी मिल चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश की भाजपा सरकार उनकी मांगों पर जरूर गौर करेगी। चंबाघाट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के महासचिव विवेक भारती की माने तो उद्योग विभाग के शेड जिसमें काम नहीं चल रहा है और वीरान पड़े हैं, उन्हें किसी अन्य उद्योगपतियों को आवंटित करने चाहिए ताकि औद्योगिक क्षेत्र सोलन की रौनक फिर से वापस आ सके। वहीं उन्होंने कहा कि इस औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या है, जिसकी वजह से वह अपना सारा सामान ट्रकों से अपलोड नहीं कर पाते हैं। उन्होंने प्रदेश के उद्योग मंत्री को आग्रह किया है कि वे उन्हें विशेष पैकेज नहीं देना चाहते हैं तो ना दें, लेकिन उद्योग के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कम से कम वो तो उन्हें प्रदान की जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक विभाग इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एसोसिएशन का गठन नहीं कर पाया है, तो ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किस तरह संभव है। हिमाचल का सबसे पहला इंडस्ट्रियल एरिया है चंबाघाट, उसको होने के बावजूद चंबाघाट इंडस्ट्रियल एरिया की कोई सुध लेने की जरूरत नहीं समझी किसी ने आज तक, चाहे वो कोई भी सरकार आई हो। अभी भी मंत्री जी ने इंडस्ट्रीज पैकेज से रिलेटेड कोई बात हुई थी कि ठीक है जो एक बार दी जाती है उसके बाद दोबारा वो आपको नहीं मिलेगी फैसिलिटी, कोई बात नहीं, फैसिलिटी की डिमांड नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्री एरिया आपके पास अभी अवेलेबल हैं उन इंडस्ट्री एरिया को तो कम से कम डेवलप किया जाए। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अब ये चंबाघाट को लेकर आप चलो कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है, सारे इंडस्ट्री एरिया में जो है तो इलीगल पार्किंग हो रही है, रोड बंद हो जाता है, कभी कोई गाड़ी किसी की आती है उसमें प्रॉब्लम है, कोई अनलोडिंग नहीं हो पाती है। एसोसिएशन बनने के बावजूद अभी तक एक IADA की डेवलपमेंट नहीं हो पाई है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने करनी है, अगर वो हो जाती है तो हमारे पास IADA के अंडर जो है तो काफ़ी फंड अवेलेबल होता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम इसको डेवलप कर सकते हैं। जो शेड बने पड़े हैं पुराने इंडस्ट्री एरिया के जो अभी तक अलॉट हो चुके हैं उनमें जो है तो इतने पुराने हो चुके हैं, जर्जर हालत में है, अगर उनको रिपेयर करने की परमिशन दी जाए वो भी हम डिमांड की है।